जब गेहूं के आटे से विंटर स्पेशल इतना कुरकुरा नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में बनेगा तो सब समोसे कचौड़ी फूल यही नाश्ता आपसे बार बार बनवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मटर और गेहूं के आटे से ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता जिसे आप स्नैक्स में या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। इस रेसिपी के अलावा लास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप भी शेयर करूंगी जिससे आपके पकौड़िया हमेशा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 साबुत लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लहसुन, इन सबको पीस लेंगे। हमें इसे इस तरह दरदरा पीसना है। अब इसमें 1 कप मटर के दाने डालकर ग्राइंड कर लेंगे। आपको इन सभी चीजों को मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए दरदरा सा पीसना है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। 1/2 कप चावल का आटा, 1 कप गेहूं का आटा स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून बेसन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज ग्रेट की हुई गाजर, 1 बारीक कटी हुई मीडियम साइज प्याज डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। आप शुरू में ज्यादा पानी मत डालिएगा, पहले सभी चीजों को मिक्स करिए और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो लगा लें। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे टिक्की की शेप देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं। आज हम विंटर स्पेशल नाश्ता बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं। तिल से इस टिक्की को कोट करेंगे। ऐसा करने से इसका टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ के देखने में भी अच्छे लगने लगते हैं। विंटर में बहुत सारी सब्जियाँ मिलती है, आप काफी सारी सब्जियाँ यूज करके इस नाश्ते को बना सकते हैं। इस तरह सारी टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में इन टिक्कियों को डालेंगे। दोनों तरफ से उलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नाश्ता पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाश्ते पर अच्छा सा कलर आ गया, इसे निकाल लेंगे। मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी। इसी तरह हम सारे नाश्ते को रेडी कर लेंगे। चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप मटर को हल्का सा फ्राई करके इसके ऊपर डाल करके इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगी, तो आज आपके लिए टिप ये है कि अगर पकौड़े या पकौड़ी बनाते समय आप अपने घोल या बैटर में चावल का आटा मिक्स करेंगे, साथ ही आप 1 टीस्पून गरम कुकिंग ऑयल भी डालेंगे, तो आपका नाश्ता बहुत ही करारा और क्रिस्पी बनेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।